बुरहानपुर नगर निगम परिषद की बैठक में महापौर पर विपक्ष का जुबानी हमला। विपक्ष ने नाकाम महापौर दिया करार, जिसके बाद भाजपा के पार्षदों ने माफी ना मांगे जाने तक किया बहिष्कार। महापौर और महिला पार्षदों ने माना इसे महिलाओं का अपमान। बुरहानपुर में सड़क में गड्ढे और जल आवर्धन को लेकर विपक्षी पार्षद भड़के। नगर निगम पार्षद सम्मेलन में उठा शहर की गड्ढों का मुद्दा। विपक्ष ने महापौर माधुरी अतुल पटेल पर जमकर बोला हमला। विपक्षी नेता ने कहा, शहर में हुए गड्ढे, ये हुआ शहर का विकास। सरकार की योजना गिनाने पर महापौर भड़के। विपक्ष दल के नेता कहा, शहर के विकास पर बात करें। महापौर माधुरी अतुल पटेल परिषद की बैठक में महापौर के खिलाफ जमकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। वहीं माधुरी अतुल पटेल ने कहा कि मुझे कोई पार्षदों ने मुझे चुन कर नहीं भेजा है, मुझे शहर की जनता ने चुना है और मेरा और मेरी महिला पार्षदों का अपमान किया है। यही नहीं, शहर की महिला वोटरों का भी यही अपमान है। उन्होंने जो बोला है उसकी मैं उत्तर दूंगी कि मैं कोई पार्षदों से चुनकर महापौर आगे कि आप लोग बोलूंगे और मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूरे बुरहानपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और पूरे ये तीसरी बार मैंने कुछ किया होगा, मैंने विकास किया होगा बुरहानपुर का, तो ही मैंने आज मैं यहाँ पर चुनकर आई हूँ। बुरहानपुर की जनता ने मेरे को चुनकर भेजा है। ये पूरी जनता, बुरहानपुर की जनता का अपमान है। और जो बुरहानपुर की जो महिला, क्योंकि अध्यक्ष भी महिला है, नेता प्रतिपक्ष भी महिला है और उनकी जो सदन में जो महिला है उनकी भी पार्षद जो महिला है उसमें भी महिला पार्षद है और मेरी भी इतनी पूरी पार्षदों की टीम है। तो ये हमारी पूरी 48 पार्षदों में से जो महिला पार्षद है उनका भी अपमान है और मेरी पूरी बुरहानपुर की जो महिला है, मेरी वो बहने हैं जो मेरी बुरहानपुर की, उनका भी अपमान है। आपकी जो बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम सदन नहीं चलने देंगे, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ आप बताइए। बस हमारा इन लोगों से ये कहना है कि हमारे महापौर जी का उन्होंने अपमान किया है, जब तक वो माफी नहीं मांगे या खेद व्यक्त न करे जब तक सदन की मीटिंग चालू नहीं चलने देंगे। आप क्या कह रहे हैं महापौर साहब, आप भी इनके साथ में, इनकी मांग के साथ है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सदन आगे नहीं चलने देंगे? मैं पार्षदों के साथ ही रहूंगी, मेरी माफी मैं क्या खुद मांगू, तो मेरी जो पार्षद बहने और मेरे जो पार्षद भाई जो कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार। दूसरी बात, 2 साल पूरे हो गए, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आपका जो 2 साल का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा, उन्होंने सदन में तंज के रूप में आपको आगे के 3 साल के लिए शुभकामनाएं दी, क्या कहना? मैं उनके शुभकामनाओं का स्वागत करती हूँ और मैंने अभी उनको उनके जवाब का उत्तर पूरा सविस्तर दे दिया और कोई भेदभाव न कर, क्योंकि उन्होंने एक भेदभाव शब्द भी बात की, मैंने कोई योजना में या कोई किसी को देने में मैंने भेदभाव का उसमें जिक्र है ही नहीं, मेरा भेदभाव करने का नियत ही नहीं है। तो मैं आज तीसरी बार महापौर भी नहीं पूछू। थैंक यू। भाई अंसारी ने हमारे अपने शहर के प्रथम नागरिक को डरपोक बोला, भैया इनकी तसक है क्योंकि यही नेत्री के सामने हो, 2 बार चुनाव आ रहे हो, 3 बार आ रहे हो और अब के बाद 388 वोटों से आ रहे हो, तो इनको ऐसी तसक लग रही है। और महापौर जी ने जितनी योजनाएं बताई, तो क्या वो नगर निगम में क्रियाकलाप नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म नगर निगम में भराता है, जियो टैगिंग उसकी नगर निगम में होती है, संबल कार्ड के अंदर मृत्यु वाले व्यक्ति का नगर निगम में होता है, आयुष्मान कार्ड नगर निगम में भराता है, अनाज की पात्रता पर्ची नगर निगम से जनरेट होती है, इंदिरा गांधी पेंशन नगर निगम में होता है, तो सारी योजनाएं नगर निगम में आती है, नगर निगम में फंड आता है, नगर निगम ट्रांसफर करता है। तो ये क्यों, क्या बोलना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना, ये तो शहर के जब नगर निगम में आ रहा है लाखों रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम वो बताएंगे नहीं कि हमने इतना क्या ये किया? और अभी तो हमारे कार्यकाल को 2 साल हुआ है, आगे आने वाले 3 साल के अंदर बुरहानपुर की सड़कें इनको चमक दिखेंगी, ये सोचे
कि इनको करना क्या है, और जब तक के ये माफी मांगेंगे नहीं सदन की कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। स्थानीय मुद्दे को हम राजी है, ये स्थानीय मुद्दे से क्यों अलग गए? एक विधायक निधि है, विधायक निधि यहाँ के बैठे हुए, सांसद निधि नहीं है आज। तो विधायक प्रतिनिधि अगर यहाँ पे आके बैठा है तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? आप उसको प्रोसीडिंग में लेते हैं, आप अध्यक्ष महोदय से पूछते हैं, आप हमारा महापौर को डरपोक क्यों बोल रहे हो जो ब्रांडपुर के अंदर चुनी हुई प्रत्याशी है और शहर की प्रथम नागरिक है, तीसरी बार है। शहर में गड्ढे भरे जा रहे हैं, आप अभी जाके देखो, इन्होंने जब भी आंदोलन किया इसके पहले भी गड्ढे भरे जा रहे हैं, रोडों का निर्माण हो चुका है, मुख्यमंत्री आवास योजना में चले जा रही है, सारे कार्य योजना चल रही है।